भारत में योग विद्या अति प्राचीन है, जिसमें पांतजल योग सूत्र महर्षि पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पांतजल योग सूत्र में लिखे हुए अष्टांग योग का वर्णन इस प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अचौर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। यम में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अचौर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। अष्टांग योग का दूसरा है नियम। नियम में संतोष, शौच यानी कि शुद्धता, तप यानी कि सुख और दुख समान मानना, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। नियम में शौच, शुद्धता, तप, स्वाध्याय, ईश्वर इत्यादि का जो है ध्यान करना है। आसन में स्थिर सुखम आसनम, विशिष्ट स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर रहना है। प्राणायाम में तीन क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम में तीन क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। इसके बाद जो है प्रत्याहार आता है, मन को अंतःकरण में खींचना, निवृत्ति। प्रत्याहार में मन को अंतःकरण में खींचना, निवृत्ति। धारण, किसी शक्ति पर मन केंद्रित करना। धारण, किसी शक्ति पर मन केंद्रित करना है। ध्यान, किसी एक बिंदु पर एकाग्र चित्तता ध्यान है, किसी एक बिंदु पर एकाग्र चित्तता ध्यान है। और अष्टांग योग का अंतिम योग है समाधि। आत्मा अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है, समाधि जिसमें आत्मा अपनी चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है।